चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोचर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक भूमि है और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम उत्तराखंड करता है। इस देव भूमि के लोग जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सेवा के प्रति समर्पित होते हैं और पीएम मोदी भी देश और देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक बार बहुत ईमानदारी से राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने 100 पैसे भेजे, लेकिन लोगों तक केवल 14 पैसे ही पहुंच पाए। किसी ने भी उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पहली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक जन धन खाता खोला जाना चाहिए। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती या आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वह उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं, छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि वन रैंक वन पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए, तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था होता है। एक बार राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार किया कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं खजाने से, लेकिन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया।